خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. इंतहाई काबिल इज्जत काबिल इहतराम उलमाए इकराम जिम्मेदारान जमीयत व जमात काबिल इहतराम बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों परदाश्तनशीन खवातीन इस्लाम इस दुनिया में शैतान के हमलों से बचते हुए शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना एक इंतहाई मुश्किल अमर है, बहुत ही मुश्किल काम है। कुरान हकीम ने शैतान की बात को नकल करते हुए फरमाया कि ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. उसने बड़ी ताकीद के साथ ये बात बयान की कि मैं लोगों के पास उनके आगे उनके पीछे उनके दाएं बाएं हर तरफ से आऊंगा। इसीलिए आप देखें इंसान को गुमराह करने के लिए शैतान कोई रास्ता छोड़ता नहीं, इल्म के रास्ते से भी जहालत के रास्ते से भी समाज और मुआशरती रिवायात का सहारा लेकर जिस अंदाज में हो सकता है शैतान इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत की पाबंदी हमारे लिए इस तरह आसान की कि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दी। आप गौर करें इंसान की मोहब्बत जिस दिल में रच बस जाए फिर वो उसे अपनाने में सही गलत हलाल और हराम में फर्क नहीं करता, इसलिए कि उससे मोहब्बत है। आप गौर कीजिए समाज में बेशुमार मिसालें हमें मिलेंगी कि इस्लाम की अजमत उसकी अहमियत उसकी फजीलत हम बयान करते थक जाएं लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपनी गुमराही पर बाकी है, अड़ा हुआ है, हिदायत की तरफ आना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि उमूमन इंसान उसी चीज को अपनाता है जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल में होती है, चाहे वो फिर कुफ्र हो चाहे वो ईमान हो, जिस चीज की मोहब्बत इंसान के दिल में होगी कुर्बानियां देकर भी उसे अपनाएगा उसे पाने की कोशिश करेगा। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ईमान वालों पर अल्लाह का एक खास फजल यह है कि वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे नजदीक ईमान की मोहब्बत ईमान को महबूब बना दिया। आज इस मोहब्बत रसूल का ये उनवान इसीलिए चुना गया हमारी दीन से दूरी के असबाब में से बहुत बड़ा सबब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कमी। दुनिया में इंसान बहुत सारी चीजों से मोहब्बत करता है,
माल से, औलाद से, बीवी से, ओहदे और मनसब से, खजानों से, एक नुक्ते को यहां पर याद रखें। दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं, अगर वो मोहब्बतें मोहब्बतें रसूल की ताबे न हो तो वो मोहब्बतें इंसान को बिगाड़ देती। इस नुक्ते को याद रखें। अगर माल की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ जाए, अगर ये मोहब्बत मोहब्बत रसूल के ताबे नहीं होगी तो फिर इंसान हराम चीजों की तरफ जाएगा। अगर औरत से मोहब्बत मोहब्बत रसूल के ताबे नहीं होगी तो ये मोहब्बत इंसान को जिनाकारी और बदकारी की तरफ ले जाएगा। अगर हमारी दीनी मोहब्बत मोहब्बत रसूल की ताबे नहीं होगी, सवाल ही नहीं है कि इंसान पर इंसान दीन पर इस्तेकामत के साथ कायम रहे। इस हवाले से बहुत सारी मिसालें हमें कुतुब अहादीस के अंदर मिलती हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, बड़ा मारूफ वाकया है। माँ कसम खाती है कि उस वक्त तक मैं न खाऊंगी न पीऊंगी जब तक कि ये अपने दीन से फिर नहीं जा। अब गौर कीजिए, एक तरफ माँ की मोहब्बत है, एक तरफ रसूल की दीन की मोहब्बत। अगर माँ की मोहब्बत गालिब होती तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान पर बाकी नहीं रह पाते। आज हमारे बहुत सारे भाई जानते हैं समझते हैं हक क्या है सच क्या है, लेकिन दुनियावी मोहब्बतों की वजह से दीन की तरफ नहीं आ पाते। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब दो चीजें हैं, या तो वो इस्लाम पर बाकी रहे या तो माँ की मोहब्बत गालिब आ जाए और इस्लाम को छोड़ दे। उन्होंने वालिदा की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी। कुरान हकीम की आयत उन्हीं के बारे में नाजिल होती है, ववस्सैना लिंसान बिवालिदैही हुस्ना, कि हमने इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैस लका बिही इल्मुन फला तुतिउहुमा, अगर वो कोशिश करें कि तुम मेरे साथ शिर्क करो तो उनकी बात नहीं माननी है। आज मोहब्बत रसूल का जब यह उनवान आता है तो हम नए नए अनाबीन के चक्कर में समझते हैं कि ये पुराना मौजू क्यों दिया, हालांकि ये हमारे दीनो ईमान का अहम तरीन हिस्सा है, इसके बगैर ईमान का तस्वुर ही नहीं है। दीन बाकी नहीं बचता अगर हमारे दिल में रसूल से मोहब्बत न हो। हमारे माली मामलात हमारे दीगर दुनियावी मामलात उस वक्त तक दीन के ताबे हो ही नहीं सकते जब तक के मोहब्बत रसूल गालिब न हो। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां पर इस रिवायत पर गौर करें, हम आम हालात में सरसरी तर्जुमा करके निकल जाते हैं। आपने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। गौर कीजिए, इस रिवायत के सबसे पहले मुखातब कौन थे? सहाबा थे ना। सहाबे किराम से कहा जा रहा है जिनकी मोहब्बत रसूल में किसी किस्म का कोई सवाल या निशान लगा ही नहीं सकते, उन सहाबे किराम से आप कह रहे हैं कि तुम में से कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप उसकी औलाद और दुनिया के तमाम अफराद से ज्यादा महबूब तरीन न बन जाऊं। जब सहाबे किराम से ये खिताब है तो हम और आप किस खेल की बोली है गौर करें। आज अगर दीन पर अमल करने की बात आए, अगर हम अपने घरों से
बुराइयों को निकालने की कोशिश करें, दीन को लाने की कोशिश करें, हमारी सबसे पहली मुखालिफत हमारे घर में होती है। आप समाज को छोड़ दीजिए, शादी ब्याह में होने वाली रसूमात हो, हलाल और हराम के मामलात हो, कारोबार के हवाले से या दीगर और चीजें हो, अगर हम अपने घर में दीन नाफिज करने की कोशिश करें, बाहर वाले मुखालिफत बाद में करेंगे, घर में मुखालिफत पहले होती है। क्या हम वाकई रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं? ये सहाबे किराम सबसे पहले इस हदीस के मुखातब थे, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उस दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। ये मोहब्बत रसूल, अजमत रसूल, सीरत रसूल के बेहकीकत नारे जो हम बुलंद कर रहे हैं, इन बेहकीकत नारों से हम दुनिया के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हमारी जिस किस्म की रसूल से मोहब्बत है, अगर ये मोहब्बत बाकी रही, इस मोहब्बत से हम दुनिया के अंदर कोई इंकलाब और तब्दीली नहीं ला सकते। उस रिवायत को अपने सामने रखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कर रहे हैं, सहाबे किराम वुज़ू के कतरात को अपने हाथों पर लेकर के अपने बदन पर मल लेते हैं। आपने सहाबे किराम से पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत है। आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो तो इसके लिए ये तबर्रुकात काफी नहीं है। आज तबर्रुकात की बड़ी धूम है, बड़ा शोर है हमारे समाज में। तबर्रुकात से मोहब्बत रसूल साबित नहीं होती। आपने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से वाकई मोहब्बत करते हो, उस दुखू इदा हद्दत, तुम सच बोला करो, जब अमानतें रखी जाए तो उसे पूरा किया करो, अपने पड़ोसियों के साथ सुलूक करो। यानी मोहब्बत रसूल इताअत से साबित होती है, न कि बेहकीकत नारों से और तबर्रुकात से। आज गौर कीजिए, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है, समाज का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां झूठ न हो। आज अपने सगे भाई को इंसान कर्ज नहीं देता इस डर से कि न मालूम हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आम इंसान को तो छोड़ दीजिए आप, पड़ोसियों के साथ हमारा क्या सलूक है, समाज की ये तस्वीरें हमारे सामने मौजूद हैं। हाँ, नारे हम जरूर लगाएंगे कि हमें रसूल से मोहब्बत है, दावे जरूर हैं। तो इताअत इलाही के बगैर ये मोहब्बत साबित हो ही नहीं सकती है। हम सहाबे किराम के वाकयात को पढ़े, दुनिया का आम इंसान को छोड़े, अगर सहाबे किराम की मोहब्बत में भी जरा सी कमी हो, उनका ईमान कामिल नहीं हो सकता, तो हम और आप क्या? हम और आप किस खेत की मूली? अंबियाए किराम के बाद, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब का रजी अल्लाह तआला अन्हु। बेशुमार फजाइल और मनाकिब के हामिल, जिनकी राय पर अल्लाह तबारक व तआला ने कई अहकामात नाजिल फरमाए। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। कई फजाइल हैं। एक मौके पर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं आपसे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं, सिवाय अपनी जान के। यानी मेरी जान मुझे सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा। आपने फरमाया कि उमर, तुम अभी कामिल मोमिन नहीं हो। सहाबे इकराम का हाल ये था,
उनका ईमान, उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि इसलाह करने में देर नहीं लगती थी। सहाबे किराम अल्लाह के रसूल से इस कदर मोहब्बत करते थे कि इसलाह करने में, तब्दीली लाने में देर नहीं लगती थी। जैसे ही सुना कि तुम अभी तक कामिल मोमिन नहीं हो, जब तक कि हर चीज यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत ना करो। हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं अब अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह या उमर, उमर तुम अब मोमिन। आज न जाने शरीयत के कितने अहकामात ऐसे हैं जिनमें हमारी कोताही है। अहादीस सुनते हैं, कुरान करीम की आयात सुनते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के नारे लगाते हैं, लेकिन कोताहियां आज भी मौजूद है। मोहब्बत रसूल जब तक मजबूत नहीं होगी, हम शरीयत की हिफाजत कर ही नहीं सकते। मुझे हैरानगी होती है जब अहादीस पढ़ते हैं, और यही ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। सहाबे किराम रसूल के इतने मुंतबे थे, इत्तिबा में इतने पुख्ता थे कि सहाबे किराम रिवायत बयान करते हुए मुस्कुराते, और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हदीस बयान करते हुए इसी तरह मुस्कुराए। अरे हम तो अपने चेहरे की हिफाजत नहीं कर सके, हमारा इस लिबास गैर इस्लामी लिबास हमारी शादियों में अन्निगाहु मिन सुन्नती के नाम पर न जाने कितनी खुराफात हम करते हैं। यहाँ हाल ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने इसी तरह मुस्कुराते हुए देखा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा सफर करते थे, पास मकामात पर ठहरते और वहां नमाज पढ़ते, और कहते कि मैंने अल्लाह के रसूल को यहाँ इबादत करते हुए देखा। और एक चीज और याद कर रख ले कि सहाबे किराम ने उन चीजों में तो इत्तिबा की जहां फर्ज थी, लेकिन जहां जरूरी नहीं थी वहां भी सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की। ये मोहब्बत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बुढ़िया औरत के साथ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। लोग एतराज करते हैं कि इस बुढ़िया ने बड़ा लंबा वक्त ले लिया, अमीरुल मोमिनीन इसके साथ बात क्यों कर रहे हैं। फारिग हुए तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल भी इसके साथ बात कर रहे। ये थी मोहब्बत, ये था जज्बा। जब तक सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, इताअत पैरवी ये साबित हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आप देखें सहाबे किराम को सबसे ज्यादा फिक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके रिफाकत की हुआ करती। आज हमारी फिक्रें क्या है, दुनिया का मालो असबाब हमसे छूट न जाए। दुनिया के जो ये रिश्ते हैं, ये मोहब्बतें हैं, ये टूट ना जाए। सहाबे किराम की सबसे ज्यादा फिक्र ये थी कि रसूल की मोहब्बत से हम हाथ न धो बैठे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मुझे आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत, मैं अपने घर वालों के पास जाता हूँ जब आपके दीदार का शौक होता है, मैं घर से वापस आता हूँ आपका दीदार करके दिल को इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता है। लेकिन एक फिक्र है, एक सोच है कि कयामत के दिन आप जन्नत में दाखिल होंगे। और हदीस का ये टुकड़ा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कहते हैं कि अगर मैं जन्नत में दाखिल हो गया, अगर, यानी सारी कुर्बानियां देने के बावजूद, सारी मोहब्बतों की कुर्बानियां देकर आपसे मोहब्बत करने के बावजूद भी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर मैं जन्नत में दाखिल हो गया। हम तो नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन जन्नत के दावेदार तो है। दीन से हमारी वाबस्तगी हो ना हो लेकिन जन्नत का दावेदार तो हम सब हैं।
अल्लाह के रसूल अगर मैं जन्नत में दाखिल हो गया, आप बड़े दर्जात अंबिया इकराम के साथ होंगे और मैं निचले दर्जे में होऊंगा, पता नहीं आपसे मुलाकात हो, आपसे दीदार हो सके या ना हो सके, इसकी एक दिली इस्तराफ था, दिल के अंदर बेचैनी थी कि दुनिया के अंदर जिस तरह दीदार हो रहा है जन्नत में होगा या नहीं होगा, और अगर जन्नत में दाखिल नहीं हुआ तो फिर तो सवाल ही नहीं है कि आपसे कभी दीदार हो सके, मुलाकात हो सके। यानी सहाबे इकराम सब कुछ करने के बाद भी ये समझते थे कि हमने कुछ नहीं किया, हम थोड़ा करने के बाद ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। सहाबी रसूल ने जब अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी इस तड़प और बेचैनी का इजहार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल की, वमन युतिअल्लाह व रसूल فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کے بعد اس صحابی کی بے چینی کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جو کسی انسان کے اندر آ جائیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل نہ ہو جائیں۔ ایک دنیاوی مثال بیان کر دوں جسے ہم سیریس لیں، مذاق میں نہ لیں۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ کسی ہوٹل کا ٹیسٹ، ذائقہ ہمیں پسند ہو، ہم کھانے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ ہمیں پسند ہے۔ اس کے لیے وقت کی قربانی، نمازوں کی قربانی، مال کی قربانی بھی انسان دینے کے لیے تیار ہے، کئی کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اس لیے کہ اس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے۔ لیکن رسول کی محبت، ایمان کی حفاظت کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ہم کیوں نہیں اپناتے یہ بے عملی، یہ کوتاہیاں اور اصلاح کی بظاہر کوئی امید اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا مزہ حاصل کر لیں، دنیا کے اندر اس سے بہترین ٹیسٹ ہے ہی نہیں، کسی چیز ہے ہی نہیں مزہ اس کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوگی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اس میں سے اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری لوگوں کے سے زیادہ محبوب۔ جب تک محبت رسول، اللہ کی محبت غالب نہیں ہوگی، گمراہی کے امکانات سب سے زیادہ ہوں گے۔ اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف، کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ تو اہمیت تھی جو چند مثالوں کے ذریعے میں نے واضح کی۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ بڑی آسان چیز ہے کہنا اور بڑا مشکل کام ہے کرنا۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کا احترام اور اس کی تعظیم ہے۔ احترام اور تعظیم کتنی حد تک؟ یہاں رسول کی مخالفت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
रसूल के सामने ऊंची आवाज से बात करना भी मना। ये रसूल के अदब, एहतराम और ताजीम के मनाफी चीज है। दुनिया के अंदर वाहिद शख्सियत है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बात माननी ही माननी है, इनकार का और मुखालफत का तसव्वुर ही नहीं। और एक बात यहां पर रुक के मैं बता दूं, पिछले अंबिया जो हलाक, अंबिया की कौमें जो हलाक हुई, पिछले अंबिया की उम्मतें जो हलाक हुई वो क्यों हुई? इसलिए नहीं कि उन्होंने अल्लाह की किताब को झुठलाया, इसलिए नहीं, इसलिए हलाक हुई कि उन्होंने अपने रसूल की मुखालफत की। फिरौन हलाक हुआ इसलिए नहीं कि उसने तौरात का इनकार किया, तौरात तो उसके हलाक होने के बाद नाजिल हुई। हलाक होने का सबब यह था कि उसने अपने रसूल हजरत मूसा अलैहि सलाम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम नहीं किया। कुरान हकीम भी कहता فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, रसूल की मुखालफत करने वालों को डरना चाहिए कि कहीं आजमाइश में मुब्तला ना हो जाए। आज हर तरफ से आजमाइश में घिरे हुए, परेशानियों ने घेर रखा है। हमें अपनी परेशानियों के इजाले के लिए किसी कमीशन के तश्कील की जरूरत नहीं है। कुरान करीम हमारे हालात बयान करता है कि तुम्हारी जो हालत हुई है वो इसलिए कि तुमने रसूल की मुखालफत की है, तुमने रसूल की इत्तेबा, रसूल की मोहब्बत को छोड़कर न जाने अपने दिनों में किन किन लोगों की मोहब्बतों को अपना लिया। अगर रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती तो हमारी बहनें, हमारे भाई इस्लाम छोड़कर गैर इस्लाम की तरफ न जाते। जिसकी मोहब्बत होगी उसी की तरफ इंसान जाए, जिसकी मोहब्बत होगी उसी के तरीके को हम अपनाएंगे। हम अपने हेयर स्टाइल को देख लें, जिससे मोहब्बत है उसी के मुताबिक हम अपने हेयर स्टाइल रखते हैं। है तो पहला तकाजा यह है कि अदब व एहतराम किया जाए, और इतनी हद तक मुखालफत तो करनी ही नहीं है। रसूल के सामने बुलंद आवाज से बात नहीं करनी। कुरान करीम को पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाज को रसूल की, रसूल के सामने बुलंद न करो, रसूल की आवाज पर बुलंद न किया करो, और रसूल के सामने इस तरह गुफ्तगू न करो जिस तरह आपस में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। देखिए एक बात और समझ ले, हमारी मुश्किल क्या है कि हमने कुरान को कई हिस्सों में बांट दिया। ये आयत यहूदियों के लिए है, ये आयत ईसाइयों के लिए है, ये आयत मुश्रिकों के लिए है, और हमारे लिए कुछ नहीं। ये मुश्किल है हमारी। सहाबे किराम जब आयात सुनते थे उसे अपने ऊपर फिट करते। आज सबसे ज्यादा एतराज होता है ये तकरीर हमारे लिए होगी, और अगर कोई आदमी ये सोच ले कि ये तकरीर मेरे लिए हुई है, ये उसके ईमान की अलामत है, एहसास तो हुआ है। अब उस एहसास को गलत जगह फिट करे ये उसकी कोताही, उस एहसास को सही जगह फिट करना चाहिए कि ये बात मेरे लिए बयान हो रही है। सहाबे किराम जब आयात सुनते थे सोचते थे कि ये आयत मेरे लिए उतरी। कई मिसालें मिलेंगी हमें, हजरत ज़ैद इब्ने साबित तालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साबित इब्ने क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आयत सुनी, घर में एक कोने में जाकर के बंद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप सहाबे किराम के हालात लेते रहते थे कि ये हाजिर क्यों नहीं।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ثابت ابن قیس کا کیا حال ہے, کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جا کر کے معلوم کرتا ہوں وہ حاضر کیوں نہیں گئے. صحابی وہ نقشہ بیان کرتے, غور کیجیے, اپنے گھر کے کونے میں سر جھکائے پریشان ہاتھ بیٹھے. پوچھا ثابت ابن قیس کیا حال ہے, کہنے لگے شر رول بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. کیوں؟ کہا کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے, اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور آپس میں اس طرح باتیں نہ کیا کرو جس رسول کے سامنے اس طرح باتیں نہ کیا کرو جس طرح آپس میں بلند آواز سے کرتے ہو, کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے. میری آواز فطری اعتبار سے بلند ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال برباد تو نہیں ہو گئے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور سارے حالات بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہیں جا کے یہ پیغام پہنچا دو, انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ, کہ تم جہنمی نہیں ہو بلکہ جنتی ہو. یعنی صحابہ کرام کو احساس ہوتا تھا گناہ کیا نہیں ہے, احساس جب ہوتا تھا تو اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لائق نہیں سمجھتے تھے, آج تو بڑے بڑے گناہگار دندناتے پھر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں رسول کی محبت تھی, رسول کا ادب, رسول کا احترام, رسول کی تعظیم اس قدر تھی کہ معمولی سی کوتاہی کو بھی بڑا سمجھتے تھے. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا رسول کی اطاعت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. تعجب کی بات ہے, نعمتوں والی جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے تھے, مختصر الفاظ میں بات کو سمجھا دیا کرتے تھے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا. ہم زبان سے کہیں نہ کہیں کہ مجھے جنت میں نہیں جانا, ہمارا عمل تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم جنت کے منکر ہیں. اب نماز نہ پڑھنے والا, رسول کی مخالفت کرنے والا, اپنے آپ کو اسلام سے دور رکھنے والا انسان سوچے کہ وہ اپنے عمل سے جنت میں جانے کا انکار کر رہا ہے یا جنت میں جانے کا خواہش مند ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں بتائیں؟ بس ہم مرے اور مرنے کے بعد جنت کا گیٹ ہمارے لیے کھول دیا ہے. اتنی آسان نہیں ہے. جب تک کہ اطاعت رسول نہیں ہوگی, اطاعت رسول ہی انسان کو جنت میں لے جائے گی. اگر اطاعت رسول نہیں ہوگی, انسان کی محبت رسول کے علاوہ کسی اور سے ہوگی, وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, مت الساعۃ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ما اعددت لها, تیاری کیا کی, تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اطاعت رسول صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آدمی ظاہری اعتبار سے عمل تو کر لیتا ہے, لیکن اطاعت رسول صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے جب تک کہ دل کی خواہش کے ساتھ وہ عمل نہ کیا جائے.
दिल के इत्मीनान के साथ, दिली तसल्ली के साथ जब तक अमल न किया जाए, उस वक्त तक मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल साबित नहीं होगी। कुरान करीम को पढ़े, अल्लाह ने फरमाया فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, आपके रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक के अपने दरमियान होने वाले झगड़ों में आपको हकम न बनाए। आज हमारे कितने ऐसे मसाइल हैं जो दुनिया की अदालतों में पेंडिंग है, क्या हमारी शरीयत ने उन मसाइल का हल नहीं बताया? तलाक के मसाइल हो, विरासत के मसाइल हो, हमारे आपसी मामलात हो, हमारी शरीयत ने वो हल बता दिए हैं, लेकिन हम उन मसाइल को शरीयत के मुताबिक हल नहीं करना चाह रहे और कहते भी हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है। न जाने कितने मसाइल हैं जो हल हो ही नहीं रहे, सालों से चल रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जात की कसम खा करके कहा कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने दरमियान होने वाले झगड़ों में आपको हतम न बना ले। और ثم لا يجدوا في انفسهم حرج, जब आप फैसला कर दे तो अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करे, बल्कि वो दिल की तसल्ली के साथ उसे तस्लीम कर ले, मान ले। ये मोहब्बत रसूल के कैसे दावे हैं कि हम दावे कर रहे हैं मसाइल कहीं और से हल कर रहे हैं? हम मोहब्बत रसूल के बेहकीकत नारे लगाते हैं, लेकिन इताअत रसूल का दिल में जज्बा नहीं है। भाइयों, जरूरत इस बात की है अपने ईमान की हिफाजत के लिए, जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करने के लिए, रसूल की मोहब्बत जब तक सबसे ज्यादा गालिब नहीं होगी, उस वक्त तक हम मोमिन नहीं हो सकते। एक जुमले को एक फिर दोहरा दूं, दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं, चाहे माल की मोहब्बत हो, चाहे वो खानदान की मोहब्बत हो, चाहे वो औरत की मोहब्बत हो, दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं, अगर वो मोहब्बतें रसूल के ताबे नहीं होगी, ये मोहब्बतें हमें बिगाड़ देंगी। दुनिया में वाहिद मोहब्बत ऐसी है मोहब्बत रसूल, जो इंसान को बिगाड़ती नहीं बल्कि बनाती है, उसकी दुनिया भी और आखिरत भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, रब्बुल आलमीन तू हमें रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला बना। रब्बुल आलमीन हमें रसूल की इताअत दिल की तसल्ली और दिल की खुशी के साथ करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को हमारी इस्लाह का जरिया बना, रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को हमारे गुनाहों का कफारा बना दे। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।